मुंगेर में शराब पीकर पुलिसिया आरोप दिखा रहे चौकीदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने कहा चौकीदार के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा रिपोर्ट। दरअसल मुंगेर के नया रामनगर थाना क्षेत्र के चौकीदार बोचाही गांव के समीप शराब के नशे में धुत होकर चौकीदार राहगीरों के साथ पुलिसिया आरोप झाड़ रहा था, लेकिन राहगीरों की शिकायत पर नया रामनगर थाना पुलिस ने एक ढाबा के पास से उक्त चौकीदार को नशे के हालत में गिरफ्तार किया, जो उसी थाने का चौकीदार था। हालांकि न्यायालय से उसे जुर्माना भरने के बाद जमानत दे दिया गया, लेकिन उनके निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि नया रामनगर थाना के चौकीदार बोचाही गांव निवासी बाबूराम शराब के नशे में धुत था। वह मोटरसाइकिल से गाँव में ही अपने घर से अपने बासा की ओर जा रहा था, तभी बोचाही मोड़ के समीप सुनसान में वह एक स्कॉर्पियो वाहन चालक एवं कुछ मोटरसाइकिल सवार पर पुलिसिया आरोप झाड़ रहा था, और साथ ही पास के ही एक ढाबे पर पहुंचकर वह पुलिसिया आरोप राहगीरों पर भी झाड़ रहा था, जिसके कारण उक्त ढाबे के पास तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना पर नया रामनगर थाना अध्यक्ष कौशल कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे और चौकीदार को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। रात में ही उनका मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहाँ से उसे जुर्माना भरने के बाद जमानत दे दिया गया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जिला रेड्डी ने बताया कि चौकीदारों का नियंत्रित पदाधिकारी जिलाधिकारी होते हैं। चौकीदार के निलंबन और विभागीय कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजा जाएगा, क्योंकि वह शराब के नशे में पकड़ा गया था। दूर से ही दिखाना। हाँ जा रहा, जाने दो।